Morning all of you and welcome again to our physics class Bachcha Party. Today we are going to study the characteristics of electromagnetic wave or we can say light wave. ठीक है, जब मैं लाइट वेव की बात करता हूँ या ईएम वेव की बात करता हूँ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हालांकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो बहुत सारी आपने पहले भी पढ़ रखी है, आज मैं आपको बताता जाऊँगा, वैसे वैसे आपको साथ साथ समझ में आता जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी आर्टिकल है जो आर्टिकल मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, काफ़ी ईजी रहेगा वो आर्टिकल आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है और इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करती हैं, कैसे चलती हैं। अगर मैं ये थ्री एक्सिस लूँ इस तरह से कि मेरे पास ये मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हम कहते हैं कि ईएम वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज चेंज होती हैं, लगातार पीरियोडिक मैनर में चेंज होती हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कैसे होती है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये ब्लैक पेन से प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं इलेक्ट्रिक वेव के लिए और इलेक्ट्रिक को मैं मान लेता हूं कि वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, इस तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस मैं मान लेता हूं उसको, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इस तरह से पैरेलल टू किसके पैरेलल माना हमने वाई एक्सिस के, हमने पैरेलल लिया है वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इस तरह से वेरिएशंस हैं, आप देख सकते हैं एक बार उनका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, इस तरह से पीरियोडिक मैनर में हो गया, हो रही है चीज। अब दूसरा मेरे पास है मैग्नेटिक और मैग्नेटिक के लिए मैं पैरेलल रख रहा हूँ उनको जेड एक्सिस के, मैग्नेटिक एक्सिस को मैं यहाँ से डिनोट करने जा रहा हूँ डॉटेड डॉटेड इस तरह से, ये प्रेजेंटेशन मैं मैग्नेटिक के लिए दे रहा हूं। ठीक है, और वो हमने पैरेलल माना है जेड के, इस तरह से पैरेलल टू जेड एक्सिस, इस तरह से पैरेलल टू जेड एक्सिस। पैरेलल टू जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कुछ इस तरह से चेंज होते हैं। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक, दिस इज फॉर मैग्नेटिक, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक एंड दिस इज फॉर मैग्नेटिक, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये देख सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होते हैं। अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे वैरी करती है कि A इज इक्वल टू E नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग लगाया आपने, आपने लगाया वाई एक्सिस के अलोंग, तो दिस इज जे कैप। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी वैरी करती है, दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसकी डायरेक्शन है जेड एक्सिस, दिस इज के कर्व्स। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड पी, डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फिर ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये डायरेक्शन कहां से निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ रहा है, जे क्रॉस के आ रहा है, जे क्रॉस के आ रहा है, भाई इनकी वैल्यूज रखोगे तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो आई जे के, तो ये होना चाहिए आई कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन कहां बनेगी, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ईएम वेव की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन किसकी रहेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ
ईएम वेव, ईएम वेव, ये ईएम वेव की डायरेक्शन है बच्चों। बहुत ही सिंपल बात है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप इसको इजिली प्रेजेंट कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन आप दोगे वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यहाँ पे SHM की एक इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। Y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस इक्वेशन को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स को ओबे करता है ना, दैट इज SHM, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की और क्या रट्टे और रटाफिकेशन वाली बातें क्या होती है कि ये पीरियोडिक होता है, ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, और ये ओबे करता है एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वाले कॉन्सेप्ट को फुल्ली ओबे करके चलता है। तो यहाँ पे तो केवल ओमेगा टी वर्ड आपने यूज किया और यहाँ पे आप माइनस ऑफ के एक्स भी आप यूज कर रहे हो, ये किसलिए, क्योंकि ये अगर मैं दो वेव लेता हूँ तो उनमें कोई ना कोई फेज डिफरेंस अगर जनरेट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो फिर ये क्या चीज है, ओमेगा टी का तो समझ में आता है कि आप कहते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो आप कह देते हो कि एंगल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओमेगा इनटू टी, लेकिन जब आपने के एक्स यूज किया तो मैं पजल हो गया, मैंने पूछा कि ये के क्या चीज है, तो के का नाम होता है बच्चों प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। प्रोपगेशन, जब कोई वेव प्रोपगेट करती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है 2π डिवाइड बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ है ये वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ जो आपने वेव ली है, और एक्स के डायमेंशंस लेंथ के होंगे, और 2π बाय लैम्डा को अगर हम पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें या डायमेंशन ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें देता है क्या, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा कि 2π बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस, दैट वी विल स्टडी इन ऑप्टिक्स, जो हम ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले हैं, जिसको हमने ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो हम एक जनरल सी बात कर देते हैं यहाँ पे कि 2π बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस, यानी कि ये किसके लिए प्रेजेंट किया जाता है, ये स्पेशली फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स के लिए प्रेजेंट किया जाता है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ चल रही है, तो फिर इट्स ओके। अगर फेज डिफरेंस है तो यहाँ पे तो फेज डिफरेंस होगा, दोनों के दोनों वेव परपेंडिकुलर चल रहे हैं, दोनों के दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ इस तरह से चेंज हो रहे हैं, परपेंडिकुलरली चेंज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसके लिए यूज करता इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे पास बनती क्या, E नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यूज कर लेते बस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आपको यूज करना पड़ता SHM वाली इक्वेशन को, तो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते थे, ठीक है ना, आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते थे। अब बात आती है कि रिलेशन क्या है E और B में, मैं आपको बता दूं कि E और B में रिलेशन है E इज इक्वल टू बी सी, E is equal to B, उसके बाद C, उसके बाद D, E, हाँ तो B, C, D, E, तो D को हटा दो उसकी जगह पे is equal to लगा दो, देखो मैं बताता हूँ आपको, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद कौन आ रहा है, E, D की जगह is equal to लगा दो, मतलब याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि E by B is equal to C, this is electric field, this is magnetic field. If we have a magnetic field B is equal to 5 Tesla, then calculate value of electric field. अगर आपके पास कोई current carrying conductor है और उसका magnetic field है 5 Tesla, तो calculate कीजिए electric field की strength. Electric field को calculate करें. तो आप क्या कहेंगे सीधा सीधा कि E is equal to B into C. B की वैल्यू कितनी है 5, C क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, हैविंग द वैल्यू 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, देन दिस इज बिकम्स इक्वल टू 15 into 10 to power 8, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम,
ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो बातें हैं ये काफी जनरल बातें मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जाती हैं कि ई और बी में क्या रिलेशन होगा, ई स्ट्रॉन्गर बनेगा कि बी स्ट्रॉन्गर बनेगा, ये बात भी आपको बताते हैं। मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएबल स्ट्रेंथ के कारण, है ना, मुझे पता लग रहा है यहाँ पे ई बहुत ज्यादा बड़ा आएगा लेकिन बी की वैल्यू बहुत कम थी, 5 टेस्ला थी केवल, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों कितना आया 15 × 10⁸, है ना, न्यूटन पर कूलम्ब। यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही स्मॉल थी लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस आर्टिकल बच्चा पार्टी, ठीक है, और यही ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यही आपके कॉन्सेप्ट पे आपका होल्ड बना। अब देखिए अब हमारे पास आती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस। देखो स्पेस में भी हम यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर मीडियम में भी हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव पे, जिसमें मैं ले रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी को हम कैसे यूज करते हैं, हालांकि ईएम वेव का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस करना है, हमें स्टडी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, वेलोसिटी ऑफ ईएम, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट विद सी एंड दैट इज 1/μ0 × ε0। अब आपने म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट को तो पढ़ रखा है, आपको ये भी पता है कि म्यू नोट मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है और एप्सिलॉन नोट जो है वो किसके साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, आपको पता है इस चीज का, बिल्कुल पता है। तो आपने क्या कहा कि म्यू नोट क्या था, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 4π × 10⁻¹⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, यही वैल्यू थी उसकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और एप्सिलॉन नोट क्या चीज था, एप्सिलॉन नोट था आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, परमेबिलिटी इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू कितनी थी, आप सभी को ध्यान होनी चाहिए इसकी वैल्यू, और होगा भी शायद 100% श्योर 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज हम दोनों की दोनों यहाँ पे उठा के रखें, जैसे कि c इज इक्वल टू 1/√μ0, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻¹⁷ और एप्सिलॉन नोट इज 8.85 × 10⁻¹² अगर आप सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू नियरली इक्वल आती है किसके, 3 × 10⁻¹⁸ और इनकी यूनिट बनती है क्या, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट भी क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों ये तो है फ्री स्पेस की बात, ये बात जो मैंने करी है ये फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करना शुरू कर दें तो वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अफेक्ट हो जाती है। आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ = c/v, ठीक है ना, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं म्यू वर्ड यूज कर चुका हूं यहां पे, इसकी जगह पे एन वर्ड यूज कर रहा हूं, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम,
स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। जैसे कि आपको कोई कह दे कि हम ना ग्लास में से लाइट को पास कर रहे हैं, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक सभी को पता होता है कि n इज इक्वल टू 1.5 फॉर ग्लास। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.5। अगर ऐसे मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो तो हम क्या करें, तो हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू होता है c बाय v। तो v यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम क्या बनेगा, c बाय n, है ना। तो c कितना होता है 3 × 10⁸, और n की वैल्यू कितनी होती है 1.5, ठीक है। तो ये बन गया भाई 2 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि उसकी जो फ्री स्पेस में वैल्यू थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन विद द ग्लास। एक पर्टिकुलर मीडियम में अगर वेव ट्रेवल करे तो उसकी जो वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऐसे अफेक्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी बेसिक बात है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, देखो कैसे हमें बातें करनी है। देखो मैंने क्या कहा, n इज इक्वल टू c बाय v। अगर मैं v लेता हूं देन v दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/√μ (εμ) इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। μ इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, and epsilon is permittivity of a medium. Now if we divide c by v, क्योंकि मेरे को refractive index चाहिए, तो c by v को अगर divide करूँ तो c की value है मेरे पास 1/√μ0ε0, और divide कर रहा हूँ इसको 1/√μ × ε, सीधा। तो फिर आपको दिख रहा है बच्चों कि ये ऐसे हो जाएगा म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप उसको सिंपली लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू सी बाय बी, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, इसका मतलब है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी और इसका अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने किया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, आज हम कर रहे हैं ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी डील करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, हमारे पास एक्सरेज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है हमारा पूरा चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये लगभग हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स और बाकी हैं जो हमें पढ़नी है, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते ही हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, तो आपको दिख रहा है इसका नेचर हमने डायग्राम में प्रेजेंट किया है, दैट इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो क्रस्ट कहाँ पे है, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट, और ये आपका ट्रफ है, ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, और ये वेव का क्रस्ट, 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 क्रस्ट क्या होगा फिर, एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट्स द एम्पलीट्यूड। एंड वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एम्प के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड का पावर टू, intensity is directly proportional to amplitude ka power, this thing you have to keep in mind. Also electromagnetic wave jo hai wo energy possess karte hain bilkul, ye baat isme to koi do raya nahi hai ki electromagnetic wave, em wave, electromagnetic wave ke paas kya hoti hai, energy hoti hai, wo energy ko transfer bhi karte hain electromagnetic wave,
क्या करती है ये, पोसेसेस एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोसेस एनर्जी, एनर्जी एनर्जी इनके पास होती है, पता है कैसे? देखो बच्चों, आपको पता है कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर और उनके पास एनर्जी होती है। कहाँ देखा हमने? सोलर सेल देखा होगा सभी बच्चों ने कि लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं, उन लाइट रेडिएशन को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कहाँ देखा है? जैसे कि आप किसी भी हाईवे पे चले जाओ, वहाँ पे लाइट लगी मिलेगी आपको, वो सोलर सेल से चलेगी, ठीक है। उसमें एक लाइट सेंसर लगा दिया जाता है, जैसे ही लाइट थोड़ी सी डिम होती है वैसे ही वो लाइट सेंसर एक्टिव हो जाता है और लाइट जलने लगती है। आप थार रेगिस्तान में चले जाओ, रेगिस्तान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ रेगिस्तान में अगर आप चले जाओ तो आप देखोगे कि बड़े बड़े प्लांट लगे हैं दैट आर बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। यानी कि लाइट जो एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ दीज प्रोसेस एनर्जी। सो वी कैन से डायरेक्टली वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोसेसेस एनर्जी। अब देखो बेटा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करती है? देन आंसर इज यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट ए प्रेशर ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे जहाँ पे ये फॉल करती हैं वहाँ ये प्रेशर क्रिएट करती हैं, 100% श्योर है। अब वो प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आ रही है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एनी सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसी भी सरफेस पे, उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें समझना है। देखो उसको समझने के लिए थोड़ी सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, छोटी सी बात, वो बात क्या है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी उसको कवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट्टे मारोगे तभी कवर होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली भी याद रह जाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बताता हूँ कैसे आपको कवर करके चलना है। देखिए कि मैंने कहा ईएम वेव क्रिएट्स प्रेशर ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव क्रिएट्स प्रेशर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ईएम वेव प्रेशर क्रिएट करती हैं जी सरफेस के ऊपर। अब कैसे प्रेशर क्रिएट करती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, बहुत ही इजी आर्टिकल है बच्चों, और इतना इजी तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा कि आप भी कहोगे कि सर जी मजा आ गया पढ़ने। अब देखो, अगर आपके पास है कोई पार्टिकल जो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पास एनर्जी बनती है E = mc² आपने पढ़ा हुआ, काफी फेमस रिलेशन है ये, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है E = mc², हमारे मैटर का पार्टिकल जिसका मास है m, जो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है mc² को, उसकी रेस्ट मास एनर्जी हम मानते हैं E = mc², वैसे m नोट से प्रेजेंटेशन देते हैं इसकी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, और बिल्कुल लिख सकते हैं, और मास इंटू स्पीड के डायमेंशन किसके होते हैं, मोमेंटम के, तो मोमेंटम किसकी आएगी, मतलब आपके पार्टिकल है जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपका पार्टिकल क्या है उसका नाम लाइट पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को क्या बोलते हैं फोटोन, लाइट पार्टिकल को क्या बोलते हैं फोटोन, तो E = मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू सी = क्या आपके पास ई, तो P = क्या आया, P ये प्रेशर नहीं है मोमेंटम है, E/c, इसको लिख देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं, मोमेंटम है जी ये, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज एनर्जी को मैं यू से प्रेजेंट कर रहा हूँ, U/c लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रोक के बंद करके डिब्बे में बिठा देता हूँ, इसको बंद करके डिब्बे में बिठा दिया। अब थोड़ा सा काम हम कुछ और करते हैं, जो हटके काम कर रहे हैं आप। अब देखो जी, हटके काम कैसे हम करते हैं, हमने क्या कहा कि मोमेंटम हमारे पास क्या है, यहां से मेरे को दिख रहा है मोमेंटम, मोमेंटम मेरे को दिखा दैट इज U/c, और मोमेंटम होता है भाई मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू U/c,
और अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, या टाइम से डिवाइड करना होता है भाई, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कैसे क्या बात बनेगी, टाइम से डिवाइड कर दूं और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर मेरे पास दिस इज इक्वल टू यू बाय टी। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, मेरा टारगेट ही यही था कि इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, नीचे आ गए। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा, तो यहां पे भी एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर, तो प्रेशर आपके पास क्या बना, टोटल एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर को मैं मोमेंटम के बराबर कैसे रख सकता हूं, u by c के बराबर कैसे रख सकता हूं, u by c के बराबर रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि इफ एरिया बिकम्स इक्वल टू 1 meter स्क्वायर एंड टाइम बिकम्स इक्वल टू 1 second, then pressure हमारा हो जाएगा किसके बराबर, u upon c के बराबर। अगर एरिया 1 हो गया, टाइम 1 हो गया, तो प्रेशर u by c, और u by c किसके बराबर था, मोमेंटम के बराबर था, तो प्रेशर आपका किसके बराबर आया, मोमेंटम के बराबर आया। कब, जब लाइट रेडिएशन कितने एरिया को कवर करती है, एक यूनिट एरिया को कवर करते हैं, कितने टाइम के लिए, यूनिट टाइम के लिए। तो यानी कि ये जो बातें हैं, आप पहले भी बहुत बार इस तरह की बातें करते हुए आए हैं कि ये सिचुएशन है जी पर्टिकुलर, जिसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 1 meter, एरिया हमारा 1 meter स्क्वायर बनता है, टाइम हमारा 1 second बनता है, तो प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, मोमेंटम के बराबर हो जाता है। और यही चीज हमें यहाँ पे दिखानी थी कि किस सिचुएशन में जो मोमेंटम उसने ट्रांसफर करी है, ऑफ कोर्स की जो लाइट रेडिएशन फॉल करती है किसी वेलोसिटी के साथ, तो मोमेंटम तो ट्रांसफर करती है, अगर मोमेंटम ट्रांसफर करती है तो एनर्जी भी ट्रांसफर करती है, क्यों, क्योंकि मैंने ये बात भी पढ़ रखी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्री पार्टिकल है आपके पास, और फ्री पार्टिकल है तो उनकी एनर्जी क्या है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है 1/2 mv². अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा m² v² डिवाइड बाय 2m, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती है p पे, p होता है मोमेंटम, p इज द मोमेंटम, दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th। अगर आप भूल गए हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि पी से। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं लाइट पार्टिकल्स का यूज कर रहा हूँ, और लाइट पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, आपको पता है सभी को, आपने क्लास 11th की स्टार्टिंग में केमिस्ट्री जो पढ़ी थी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी आपने किया था, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी आपने किया था, और वो कॉन्सेप्ट आपको कहता था कि एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन एग्जिस्ट इन क्वांटाइज्ड से, दैट इज E इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पे n होता था कोई नंबर जिसकी वैल्यू वेरी करती थी, 0 नहीं लेनी आपको, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, एच जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको देख के याद आ गया होगा आपको, और न्यू जो था वो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी आपका क्या बनता था, न्यू के बराबर बनता था। तो यानी कि अगर मैं एनर्जी को यहाँ पे एच न्यू लूँ तो भी मेरी बात गलत नहीं है, यानी कि कई कॉन्सेप्ट्स मेरे पास न्यूमेरिकल में जब मैं जाऊंगा तो मेरे सामने एनर्जी के लिए एच न्यू की तरफ से भी बातें आएंगी, और उन बातों को मुझे अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो जो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने स्पेशली जो वर्क किया है वो वर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट्स प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम इफ we are talking about the unit area for unit time, if we are talking about a unit area for unit time।
Now the most important thing that I am going to discuss, that is density of energy density of EM wave. Now we are going to discuss energy density of EM wave. हालांकि आज हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी बातें characteristics of EM wave के अंडर ही हमने स्टडी करी है. तो आप भी बाहर मत जाइएगा इनसे, characteristics के अंडर ही इन सभी चीजों को रखना है आपको, ठीक है. अब मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी ऑफ ईएम वेव. डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, देखो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को भी पढ़ा है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को भी पढ़ा है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आपके पास आई थी क्या? दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी थी आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया बच्चों, फिर भी जिसको नहीं पता चलता प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी, ठीक है. अगर आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद नहीं है, प्लीज मेरे को बता दे, मैं आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है. जैसे ही मैं इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता हूँ मैं आप सभी से पूछ लूंगा कि इलेक्ट्रिकल डेंसिटी किसको नहीं पता, जिस जिसको नहीं पता होगा प्लीज मेरे को बता दें, मैं आपका वो कॉन्सेप्ट भी कवर करके दूंगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रॉ बी, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 μ0. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं ना, तो आप क्या कहोगे कि रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल. ओके, यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लो भाई, रो ई प्लस रो बी, बी है ये, तो दोनों को ऐड करोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 μ0, दिस इज इक्वल टू रो. अब मैं इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो बेटा मैं लिख के ही मानूंगा. अब मैं कैसे मानूंगा, स्टार्ट करते हैं. मुझे पता है कि एज आई नो, एज वी नो कि स्पीड ऑफ लाइट c दैट इज इक्वल टू 1/√μ0ε0, ठीक है. c इज इक्वल टू अंडर रूट किसके बराबर होगा, μ0ε0, और दैट इज इक्वल टू e बाय v. सो आई कैन से कि आपके पास e बाय v इज इक्वल टू 1/√μ0ε0. सो वी कैन से कि b इज इक्वल टू E into mu naught epsilon naught का अंडर रूट. तो ये B की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए. B की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे रखेंगे वैसे ही आपके पास रो क्या बन जाएगा, हाफ epsilon naught E square plus B square की वैल्यू है E square into mu naught epsilon naught divide by 2 μ0, ठीक है. तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ गया एप्सिलॉन नोट इनटू ई स्क्वायर. दिस इज एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गया बच्चों. अगर मैग्नेटिक फॉर्म में चाहिए तब भी हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं. अब देखो आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 μ0. अब आपने क्या कहा, आपने मेरे को बताया कि e by b is equal to c. What it mean? 1/μ0ε0. So e is equal to क्या बना? b upon 1/μ0ε0. अब ये e की जो वैल्यू है आपके साथ इसको उठा के यहां रख दो, यहां रखते ही आपके सामने वैल्यू क्या बन जाती है, रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 μ0
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको आप टोटल करेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, दैट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फॉर्म. ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे पास आ गई और ये मैग्नेटिक फॉर्म में हमारे पास आ गई. दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फॉर्म एज वेल एज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, एज वेल एज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. तो बच्चा लोग, अब मेरे पास एक लास्ट आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव. इंटेंसिटी मुझे निकालनी है ईएम वेव की, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, आपसे बातें करूंगा. आप फटाफट से नोट कर लीजिए. इंटेंसिटी को याद रखने का तरीका बता देता हूं. जिसकी भाई ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो टीचर से लगातार कनेक्टिविटी रखते होते हैं, तो टीचर की इंटेंस बड़ी अच्छी होती है उन बच्चों के लिए, तो वो बच्चे आसानी से क्या हो जाते हैं, पुराने टाइम में बात करते थे, पास हो जाते हैं आसानी से, है ना. तो जिसकी इंटेंस, जिस बच्चे के लिए इंटेंस अच्छा हुआ टीचर का, 100% श्योर ही विल पास. तो इंटेंसिटी पास ये प्लस पी ए. तो पी क्या है यहाँ पे, पावर. ए क्या है यहाँ पे, एरिया. तो पावर पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी. पावर पर यूनिट एरिया, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी अपॉन टाइम और इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी. मान लो कि ये इस क्रॉस सेक्शन से ईएम वेव बाहर निकल रही है, इसको पेनिट्रेट करके इसको पास कर रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे होगा कि कितनी पावर उन्होंने एक्सर्ट की पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू किसके, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी आपको स्पेशली याद रखना है पावर पर यूनिट एरिया से. ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, जिसको हमने कंप्लीट किया. कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर देंगे, और न्यूमेरिकल करने के साथ साथ आपको जो चीज़ें लर्न करनी होंगी उनके आपके पीडीएफ नोट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से अपना ईएम वेव वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बहुत ही ध्यान से कंप्लीट करना है सभी बच्चों को. और अब आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके कि आज कोई डाउट आया है आपके सामने, प्लीज मेरे को जरूर बताएं अपना डाउट. गुरलीन कौर, ठीक है बेटा, आपके अटेंडेंस लग जाएगी. किरणदीप, नो डाउट, ठीक है बेटा. हरसिमरन कौर, मंजू चौधरी, मंजू के बाद पूज सार्थक महाजन, इमनंदन प्रीत कौर, मनिंदर सिंह, अर्शप्रीत कौर, पायल जारियाल, राधेश, गीतांशी, जसलीन, मंजोत, दानिश, अंशुल राणा, गुरलीन बाजवा, पार्थ धवन, दमनजीत कौर, हर्षिता, इंद्रवीर सिंह, साईप्रीत सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश. आशय नंदा, मनरीत कौर, गुरलीन, फैबुलस, ऑल क्लियर, थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू गुरलीन, थैंक यू बेटा. ऐश, गगन सैनी, थैंक यू बेटा. आकृति चौधरी, ठीक है बेटा, आकृति आपकी अटेंडेंस तो लगा दी थी मैंने पहले ही. हमराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो बच्चों, ये चैप्टर हालांकि मेरे ख्याल से 1 आवर का ही था, लेकिन मैंने इसको 3 डेज दे रहा हूँ मैं. नवरूप कौर, बहुत बढ़िया बेटा. जानवी सहोता, क्लियर सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू. तो इसको मैं 1 दिन की बजाय 3 दिन दिए मैंने. तो बच्चों ध्यान रहे, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है आप सभी को, दिल लगा के पढ़ना है, और इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू.